नगर आ सिटी एक फुट गहरा ऊंडो चार फुट लंबाई लंबाई चार फुट चौड़ी बस पन्नी पीसेंगे पन्नी पीसा अब हमने पन्नी पिसा दी है और इसमें दो तगरी मिट्टी डालेंगे नाडी की मिट्टी लाओ मिट्टी लाओ हमने ये आधे मिट्टी इसमें डाल दी इसमें हम पानी डालेंगे मोटर चालू कराओ तो फिर डाल पूरा भर देना दो इसके बाद बोल देंगे इसके अंदर पानी डाल दिया पानी डाल दिए और हम इसमें धान के गोबर घोल के डाल रहे हैं और हम इसे धान से को कचरा है वो लेके कबूतर से पानी से कचरा अजला डाल रहे हैं छिड़काव कर रहे हैं अब मैं डॉक्टर श्यामला हर्ष आज गुड्डी जी का यहाँ जो बसी नगर है वहाँ पे आया हूँ और गुड्डी जी ने क्या सुबह से हमारे ये चार भाई छह का और एक फिर गहरा है वह अजोला के लिए तैयार किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि पन्नी है आप देख रहे हो बिछा दी पन्नी के बाद में इन्होंने क्या इसके अंदर है वो उपजो मिट्टी वो डाल दी थी। डालने के बाद में इन्होंने पानी से इसको भर दिया था। पानी के भरने के बाद में इन्होंने क्या है कि जो पुराना गोबर था 10-12 दिन पुराना वो क्या है कि उन्होंने घोल के इसके अंदर छान के नाम डाल दिया। छानने के बाद में आपने क्या किया गुड्डी जी ने है वो इसको निताड़ लिया ताकि घास फूस है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद में इन्होंने क्या है कि अजोला का यह छिड़काव कर दिया। ये जो आप अजोला देख रहे हैं 10-15 दिन में क्या है कि तैयार हो जाएगा। इसके लिए आधी धूप और आधी छाया चाहिए तो इसके ऊपर इन्होंने बताया कि हम कोई नायलॉन की नेल ले या कोई भी पुराना और ना वो इस तरह का कर देंगे ताकि क्या है कि इसको आधी धूप आधी छाया मिल जाती है। ये आपके 10-15 दिन में क्या है कि ये तैयार हो जाएगा। अभी सर्दी का समय है इसलिए इसमें थोड़ी ग्रोथ है वो धीमी होगी और रंग भी बदल सकता है बुरा भी हो सकता है पीला भी हो सकता है पत्तियाँ छोटी भी हो सकती है आपको कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद में आप कैसे गाय को देंगे इसमें साहब जब ये पूरा तैयार बढ़ जाए इसके बाद में आप क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें से लेंगे और लेने के बाद में 2-3 दफे इसको धोएंगे क्योंकि इसमें गोबर की बदबू आएगी। धोने के बाद में आप क्या है कि गाय को देना है तो किसी के साथ में मिला कर देवे पहले धीरे धीरे कम से बढ़ाना है और एक गाय को आप आधा किलो 10-15 दिन बाद में आधा किलो देना है और किसी के साथ में मिला के देना है ये तो गाय नहीं खाएगी। गाय को देने से क्या होगा यदि गाय है आपके पास में तो क्या आधा पौन किलो यदि भैंस है तो किलो 1.25 किलो और बकरी है तो इसको पाव पर आप देना है आपको। इसके बाद में क्या होगा गाय के दूध में 20% बढ़ेगा गाय के जो दूध है उसकी क्वालिटी है उसमें फैट है वो ज़्यादा होगा उसमें सभी तरह के जो गाय को है सभी तरह की चीज़ें मिल जाएगी क्योंकि इसके में 35% प्रोटीन है इसमें सभी तरह के खनिज लवण है इसके अंदर सभी तरह के मिनरल्स है इसमें विटामिन्स है सभी चीज़ें। ये देने के बाद में क्या है कि जो सूखा चारा है वह हरे चारे में बदल जाता है फिर आपका जो बाटे का ढेर है उसको धीरे धीरे आप क्या करेंगे कम करते जाएंगे ताकि आपको बचत हो जाएगी। फिर आपको क्या है कि दूसरी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है इसमें सभी चीज़ें हैं। अब गाय आपको पता है कि इसे बीमार नहीं पड़ेगी गाय के बीमारी का पैसा बच जाएगा इसके बाद में गाय कभी अंधी नहीं होगी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हर 2-3 दिन में डबल हो जाता है और आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसको कभी कभी सुखा के अपन फार्म में ले सकते हैं।
सुखाने के लिए आपको एक चम्मच होगा तो बहुत है, क्योंकि आधा किलो जो सूखेगा तो आपकी चाय की 5 या 10 ग्राम होगा, फिर उसमें आधा किलो सूखे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप क्या करेंगे थोड़ा सा उसको किसी के साथ भी मिला के दे देंगे। अज्वला हमारे ये 12 महीने तक आपके चलता है और गाय के लिए बहुत अच्छा है, तो आपने गुड्डी जी अच्छा काम किया, जब मैं आया तो आपने किया कि अच्छा बना दिया, बस हमने किया कि अज्वला 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।